नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी। आज आप सभी लोगों के लिए आरओ के करंट अफेयर से कुछ प्रश्न को लेके आए हैं, जो जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता का 81 वर्ष के उम्र में निधन हो गया, तो कौन था वह? हमारे कादर खान थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया, तो वह किस खिलाड़ी ने बनाया था? वह हमारे रोहित शर्मा ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित रास द्वीप को क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा गया है। हाल ही में बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में किसने जीत दर्ज की है, तो किसने किया है? शेख हसीना ने किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैवलॉक द्वीप को क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है? उसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा हाल ही में गौ कल्याण शेष लगाए जाने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार के किस द्वीप का नाम बदल कर नेताजी द्वीप रखा गया है, तो कौन सा है? वह रास द्वीप है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो कौन है? वह जस्टिस AK सिकरी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो कौन है? वह विनोद कुमार यादव हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई, तो कहाँ पे? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सुधीर भार्गव को क्या नियुक्त किया है, तो उनको नियुक्त किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया, तो वह कहाँ पे किया है? पंजाब में किया है। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन से दिवस में मनाया जाता है दिवस के रूप में, तो वह होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल्लेबाज हाल ही में 800 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया, तो कौन है? वह सुरेश रैना है। कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो कौन सा देश है? वह हमारा नाइजीरिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में देश में आपातकाल की घोषणा की है, तो कौन सा देश है? वह अमेरिका है। इसमें से कौन सी भारत की पहली अर्ध सबसे तेज ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सैन्य अभ्यास कोबरा गोल्ड 2019 की शुरुआत हुई है, तो कौन सा है? वह हमारा थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए 6000 रुपये की पेंशन योजना शुरू की है, तो कौन सा राज्य है? वह हमारा बिहार है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में BCCI का नैतिकता अधिकारी बनाया गया है, तो किसे बनाया गया? DK जैन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है, तो कौन सा देश है? वह दक्षिण कोरिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली टेट फर्स्ट कहाँ लॉन्च किया है, उन्होंने लॉन्च किया है वर्जीनिया में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में कितने पदक जीते, तो कितने पदक जीते? 16 पदक। अगला क्वेश्चन है, पहले स्वच्छता अभियान के दौरान किस पर्वत चोटी से 10,000 किलोग्राम से अधिक कूड़ा इकट्ठा किया गया है, तो वह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्री एम्बुलेंस भारत के ग्रीन मैन द्वारा किस शहर में शुरू किया गया, तो किस शहर में किया गया है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, तो फर्नांडो टोरिस ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सोलर क्रूज को लॉन्च किया,
जाएगा तो कहाँ पे? केरल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहली बार हिमालयी राज्यों की मेजबानी करेगा? तो वह कौन सा है? उत्तराखंड राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उस बेटी का नाम बताओ जो विश्व चैंपियन बनी है, तो उसका नाम क्या है? कोमोलिका बारी है। अगला क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2019 को किसकी 109वीं जयंती मनाई गई? तो किसी मनाई गई? मदर टेरेसा की मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बी एम कुट्टी का निधन हुआ, वे क्या थे? शांति कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो कौन है वह? वह गोविंदा है। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा? विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया प्लाग रन का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया है? किरेन रिजिजू ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? मंजू शर्मा को किया गया है। अगला है, हाल ही में ई गन्ना पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BICCI के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह बनी है संगीता रेड्डी बनी है। अगला क्वेश्चन है, जापान के बाद G20 देशों के अध्यक्ष किस देश को मनाया गया है? यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे क्या है? बनाया गया है, किस देश को बनाया गया है? तो कौन सा देश है वह? सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन है, लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो वह सोम राय वर्मन ने संभाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन गणतंत्र दिवस 2020 के लिए मुख्य अतिथि बनेंगे? तो कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कबड्डी कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? वह किया गया है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कैरोल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो किस देश के हैं? बिहार के थे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।